पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इस समय प्रीपेड मीटरिंग जो है जम्मू के अलग अलग जगहों से शुरू की जा रही है, लेकिन जब से ये मुहिम शुरू की गई है तभी से इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रीपेड मीटरिंग के खिलाफ, और ये कुछ लोग जो है जानीपुर एरिया के रहने वाले हैं और अलग अलग जगहों से हैं, और जिस तरह से प्रीपेड मीटरिंग जो की जा रही है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अमित कपूर जो है इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, और साफ तौर पर कहना है कि प्रीपेड मीटरिंग जो है वो एक तरह से लोगों के साथ धोखा है। अब क्या दिक्कत क्या है प्रीपेड मीटरिंग से, जबकि पूरे देश में और इस समय चल रही है, और इसको लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि इसे तो करना ही है। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है, यूपी बिहार से उन्होंने एडवाइज़र लाए हैं, उनको ये नहीं पता कौन सी कॉलोनी से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कौन सी पोश कॉलोनी है, कौन सी नहीं है। ईडब्ल्यूएस कॉलोनी जानीपुर से प्रीपेड सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है, जबकि मैं आपको बता दूं कि वहां पे अमेल सिटी के नाम से भी कितना बड़ा घोटाला हुआ है हम सोच भी नहीं सकते। इन्होंने सरकार ने वही लूटी थी कि हमने इंस्टॉलमेंट कर दी और हमने जितने भी जो लोगों के पुराने बिल थे उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी, लेकिन आपको पता है उस इंस्टॉलमेंट में इन्होंने जो इंटरेस्ट माफ किया वो इंटरेस्ट माफ नहीं, वो लोगों के चिराए हुए पैसे थे जो डबल ट्रिपल चिराए थे और सिंगल सिंगल माफ कर दिए और डबल डबल इनसे लेते गए। वो कैसे मैं आपको बता दूं, सरकार ने क्या, सरकार इनका जो बिल है ये सुनीता देवी जी है, सुनीता गुप्ता जी ढाई मरले क्वार्टर में ये रहती है जानीपुर में, ढाई मरले क्वार्टर जो जेडीए के क्वार्टर है, एक कमरा इनका देवतों का है, एक कमरे में ये खुद रहते हैं। एक कमरे में कौन सी इन्होंने ऐसी फैक्ट्री लगा ली एक महीने के लिए जब इनका बिल 400 500 600 रुपया आता था रूटीन में, और एक महीने में 47,000 रुपया बिल आया इनका, 47,000 रुपया एक महीने का बिल, ये देखिए 47,000 रुपया एक महीने का बिल, बाकी रूटीन में 600 500 400 इस तरह के बिल आते थे। तो आप मुझे बताइए जब रूटीन में 400 500 600 बिल आता था, एक महीने 47,000 रुपया अगर ढाई मरले क्वार्टर का बिल आएगा, और वो लेडी बेचारी एक साल से दफ्तरों के चक्कर लगा के और लीडरों के पास चक्कर लगाकर जगह जगह दौड़ती रही, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, और इसने सोना बेचकर थोड़े पैसे बढ़वाए और अपनी लाइट लगवाई। तो ये हालात सिर्फ एक लेडी के नहीं, ऐसी हजारों लोग होंगे, हजारों माए होंगी, शुगर की पेशेंट एक लेडी बेचारी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये देखिए ये भी प्रोटेस्ट के लिए आई हुई है। 1,45,260 रुपए इसका बिल है। अब बताइए जब इसके साथ मैन सिटी में घोटाला हुआ है तो इसके साथ भी हुआ होगा, कई लोगों के साथ हुआ होगा। अब ये सभी जितने भी आए हैं, अब इसकी 4 महीने से बिजली कटी हुई है, क्या करेगी, कहां जाएगी, किसके पास रोएगी, कौन है लीडर जम्मू कश्मीर का जो आवाज उठाएगा, सबके सब नपुंसक बन चुके हैं, सबके सब जमीने घेर के बैठे हुए हैं, या फिर कोई ना कोई वजह से एलजी से डरते हैं कि एलजी कहीं जेल में ना डाल दे। अरे भाई जेल जाओगे तो लोगों के लिए जाओगे, जिन लोगों ने आपको लीडर बनाया था उनके लिए आप जेल नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो आपको लीडर बनने का हक नहीं है। तो मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं प्रीपेड सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में बंद होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पहले पूरे देश में प्रीपेड सिस्टम करवाइए, क्योंकि मैक्सिमम स्टेटों ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हुआ है, और आने वाली इलेक्शन में ये लोग जवाब देंगे आपको कि किस तरह आपने जम्मू कश्मीर पे डिक्टेटरशिप और बिना सुनाए प्रीपेड सिस्टम स्टार्ट करने की जानीपुर से कोशिश की, जो हम नहीं होने देंगे। एक तो पुराने बिल जो है वो माफ होने चाहिए, एक जो इसका 47,000 रुपये का इशू है वो दूर होना चाहिए, जो ऐसे माँ जिसकी आपने पेंशन 1,000 रुपये आप देते थे, इसको आपने पेंशन बंद कर दी 1,000 रुपया, तो वो 1,47,000 बिल कहाँ से देगी बताइए। जिसको आप 1,000 रुपया पेंशन दे रहे हो, आप समझते हो कि इसको 1,000 रुपये की जरूरत है, तो उसका आप 1,47,000 वो कहाँ से देगी बिल, वो आपको नया बिल देगी या पुराने बिल देगी। लेकिन एमनेस्टी का जो फायदा तो काफी लोग ले रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जो उसके बिल नहीं देगा उनके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे और काटे भी जा रहे हैं। मैन सिटी का फायदा नहीं ले रहे, सिर्फ घोटाला सामने नहीं आया था, ये आपके सामने घोटाला है। रूटीन में 400-600 बिल आता था, 2022 में मार्च में 47,000 रुपया बिल एक महीने का डाल दिया, और उसके बाद ये चक्कर ही लगाती रही सारी जगह कि ये 47,000, कहता नहीं मैन सिटी में आपको वो डिस्काउंट जो देना था वो दे दिया। ये क्या मजाक है, जो बड़े ऑफिसर वहां पे बैठे हुए हैं जानीपुर में, जो बिजली डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर हैं, चाहे वो मीटर रीडर हो या कोई भी हो, जहां जहां जिनकी ड्यूटी थी उनकी सैलरी में से पैसा काटा जाए,
उनकी सैलरी में से पैसा काटा जाए, उनके मीटर रीडरों के घर चेक किए जाए, उन लाइनमैनों के घर चेक किए जाए जिन्होंने कुंडियां डलवाई हुई है, जिन्होंने अपने घर में कुंडियां लगाई हुई है, उन लोगों से पैसा लिया जाए, ना कि ऐसे लोगों से। अगर इन लोगों ने कुंडियां डाली होती तो इनके इतने इतने बिल ना हुए होते। तो जिस तरह से आप देखा है कि किस तरह से प्रीपेड मीटरिंग को लेकर इनका विरोध है कि प्रीपेड मीटरिंग जो है नहीं होनी चाहिए, और एमनेस्टी के नाम पर एक तरह से स्कैम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, और जिस तरह से उनके जो इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं उसको लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, और जब उसको करेक्ट करवाने के लिए जब जाते हैं डिपार्टमेंट में तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किलें उनको सामना आ रही हैं कि कोई उनकी बात को सुनने को राजी नहीं है। इससे पहले जिस तरह से बताया कि इन्फ्लेटेड बिल डालने के बाद उसे एमनेस्टी में डाल दिया जाता है, पर ये नहीं देखा जाता कि किस बेस पर जो है इस बिल को डाला गया था। ये कुछ समस्याएं जो हैं इन लोगों की हैं, और इसके लिए इनकी डिमांड है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी संज्ञान ले और इन लोगों की परेशानियों को दूर करे।